अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। तो देखिए, बोनलेस चिकन को हमने यहाँ पे इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लेना है और इसे साइड में रखना है। अब इसे हम मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमने एक चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, एक चम्मच भरकर रेड चिली पाउडर, नमक ऐड करेंगे हसबे जायका, एक चम्मच भरकर सोया सॉस ऐड करेंगे, और एक बड़ी चम्मच भरकर चिली सॉस ऐड करेंगे, एक चम्मच भरकर चाट मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच भरकर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर रेड फूड कलर ऐड करेंगे। आधी चम्मच भरकर विनेगर ऐड करेंगे और तमाम चीजों को अच्छे से मिला के इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिला के हम ढक्कन ढक के इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे हमने सेसमी सीड्स ले लेना है और इसे हल्का सा तवे पे रोस्ट करेंगे और फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। तेल को हल्का सा गरम होने देंगे, उसके बाद हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है वो फ्राई करेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम फ्राई करने से पहले इसमें 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमने इसे फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस एक एक करके ऐड करेंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक चिकन को फ्राई करना है। बाकी के चिकन को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे।
चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, हमने इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दिया है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे हमने एक और एक पैन ले लेना है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। हमने वही तेल का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। अब इसमें हमने बारीक चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड कर देना है और इसे हल्का सा भूनेंगे, बस हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें हम थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट ऐड करना है। अब इसमें हम रेड सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे छोटे छोटे पीसेस करके। बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची ऐड करेंगे, स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच भरकर डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे, एक चम्मच भरकर रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। तीखे के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच भरकर हमने फिर से रेड चिली सॉस ऐड किया है। अगर आपको नमक की ज़रूरत लगे तो आप इसमें ऐड कीजिएगा, वरना तो सारे सॉसेस में नमक बहुत ही रहता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं और आपको ज़रूरत लगे तो ऐड भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो चिकन फ्राई करके रखा है वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार है। अब इसमें हम लास्ट में सेसमे सीड ऐड कर देंगे, जो वाइट तिल हमने रोस्ट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। लास्ट में हमने इस पे स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर देना है, सेसमे सीड स्प्रिंकल कर देना है और गरम गरम क्रिस्पी चिकन को हम इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में, बहुत ही सिंपल है आज की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कर दीजिएगा प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।